साथियों, आप देख रहे हैं सोनू ब्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम। इस वक्त मैं सीबरी जिले की पुछोर विधानसभा हूं मैं हूं और मेरे साथ हैं ओबीसी महेंद्र लोधी, जो कि राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य हैं और प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश है ओबीसी महासभा। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, थोड़ा सा मुझे यदि आप विस्तार में बता सकें, ओबीसी महासभा क्या है? ओबीसी महासभा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, सहदेव फुले, सावित्री महाराज के जो काम रह गए हैं जी, और जो ओबीसी समाज जो आज की स्थिति में मनुवाद में ग्रसित है उसको जगाने के लिए काम करता है, उनके हक अधिकारों के लिए लड़ रहा है और अपने समाज को जो लोधी कुर्मी काशी पटेल कुशवाहा प्रजापति रजक साहू है जी 3,743 जातियों को एक करने का काम कर रहा है। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा में चलने वाले हर उन व्यक्तियों को ओबीसी महासभा सम्मान करता है। एसटीसी हमारा साथी है, हम उनको भी अपना साथ में लेके चलते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि हमारे संविधान के जो अधिकार हैं वो हमें प्राप्त हों, इसलिए ओबीसी महासभा वर्क कर रहे हैं। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आपको ओबीसी महासभा बनानी पड़ी? देखिए, इस देश में आजाद भारत में भी ओबीसी समाज को अधिकार प्राप्त नहीं है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने 340 अनुच्छेद में हमें रजिस्ट्री भी की कि आपके अधिकारी होना चाहिए, इसके बाद भी हमारा समाज नहीं जागा, इसलिए हमें ओबीसी महासभा बनानी पड़ी कि हमारा जो समाज है, जो लोधी कुर्मी काशी पटेल कुशवाहा प्रजापति रजक 3,743 जाति में बैठा हुआ है, जैसा कि ब्राह्मण समाज में तिवारी महासभा, चतुर्वेदी महासभा, त्रिवेदी महासभा नहीं होती है, उसी प्रकार से हमारे ओबीसी समाज में भी लोधी कुर्मी काशी पटेल कुशवाहा महासभाएं बंद करना पड़ेंगी। उसके लिए हम वर्क कर रहे हैं, क्योंकि जब तक कि हम एक जमात में खड़े नहीं होंगे तब तक ओबीसी समाज को अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, इसलिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप कुछ दिनों से लगातार पूरे भोपाल से लेकर आप पूरे चंबल का दौरा कर रहे हैं, तो किन मांगों को लेकर आप ओबीसी समाज के बीच या ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों के बीच पहुंच रहे हैं? देखिए, ओबीसी महासभा में ओबीसी विजय कुमार जी, ओबीसी बैभव सिंह, धर्मेंद्र कुशवाहा जी, अरविंद जांगी जी, पुष्पराज पटेल जी, सूरज खोदरे जी और मैं, हम लोग सभी लोग बराबर रूप में ही सब कार्य कर रहे हैं, अपने अपनी स्थिति में जहां जैसा जो कर पा रहा है। पूरी टीम वर्क कर रही है कि ओबीसी का कालम 9 फरवरी से जो जनगणना होने वाली है उसमें जुड़ जाए। अगर कालम जुड़ जाएगा और हमारी संख्या निकल के आ जाएगी तो हम अपने अधिकारों को बड़े ही अच्छे से मांग सकते हैं कि हमारी ये संख्या है, हमारे इतने सांसद होना चाहिए, हमारी ये संख्या है, देश में हमारे इतने विधायक होना चाहिए, हमारी ये संख्या है तो न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, मतलब तमाम जो जगह है वहां पे हम एक संवैधानिक अधिकार जो होते हैं वो मिल पाए, इसलिए हम जनगणना में ओबीसी का कालम चाहते हैं। और ओबीसी की संख्या निकल के आएगी तो उसमें फिर धीरे धीरे जातियों के जो है वो भी आ जाएगा। तो जैसे आज आप ये पिछोर है, मान लो यहाँ से यादव ज्यादा है तो यादव का विधायक बना दो, उससे जो कम है उसका जनपद बना दो, उससे जो कम है उसका नगर पालिका में, मतलब आप बांटना चाहें, अगर आपकी मंशा सही है जी, तो आप अधिकारों को बांट के एक सामंजस्य बना सकते हैं। जैसा कि सवर्ण समाज ने नहीं किया और वो शोषण करता रहा, वो भूल गया कि ये कौम भी कभी न कभी बाबा साहेब को पड़ेगी, ज्योतिबा फुले साहब को पड़ेगी और अपने अधिकार मांगेगी। आज की स्थिति में हम अब लड़ेंगे और अपने अधिकार भी लेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ओबीसी महासभा कोई राजनीतिक संगठन आगे चल, मतलब अभी संगठन है, आगे चल के कोई राजनीतिक पार्टी बनाएगी या संगठन के रूप में काम करेगी? ओबीसी महासभा कंट्रोलर बनना चाहती है जी, एज अ कंट्रोलर। ओबीसी महासभा चाहती है कि इस देश में जो ओबीसी समाज है उसको इकट्ठा किया जाए और उसको बताया जाए कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारे अधिकार क्या है, इसलिए हम उसके लिए काम कर रहे हैं। जब हमारा समाज खुद इकट्ठा हो जाएगा तो वो डिसाइड करेगा उसको क्या करना है, राजनीति में आना है किसमें आना है। अभी तो हमारा व्यक्ति इकट्ठा हुआ ही नहीं है, तो अभी तो वर्षों लगेंगे उसके लिए, पर हमारा जो उद्देश्य है समाज को इकट्ठा करना और उनको बताना कि लक्ष्य क्या है। ओबीसी महासभा में सिर्फ ओबीसी वर्ग के समाज के लोग जुड़ सकेंगे कि अन्य नहीं? ओबीसी महासभा में सभी जो ओबीसी एसटीसी के लोग हैं, सभी माइनॉरिटी के लोग हैं, सभी लोग जुड़े हैं और काम कर रहे हैं जी। ये बेकार की बातें आरएसएस फैलाता है कि ओबीसी महासभा में सिर्फ ओबीसी के लोग ही जुड़े हैं, ऐसा नहीं है।
ओबीसी महासभा में एससी एसटी के लोग भी जुड़े हैं, बड़े पदाधिकारी भी हैं, वो काम भी कर रहे हैं और कई लोग तो मेरे से लोग तो कई मार्गदर्शन भी कर रहे हैं उन लोगों, वो लोग हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, तो ये भ्रम वो लोग फैलाते हैं, हम लोग उनको उससे कोई दिक्कत नहीं है, उनको कहने दो वो तो, क्योंकि उनको पता है कि ओबीसी महासभा पूरे देश के अंदर बड़ा विस्तार कर रही है, तो उनको डर बैठ गया है क्योंकि आरएसएस के बड़े बड़े लोग ओबीसी महासभा में इकट्ठे हो रहे हैं, उनको अभी तक अधिकारों की बात हुई नहीं उनकी वहाँ पे। अगर मैं बात करना चाहूँ ओबीसी महासभा की मुख्य मांग क्या है, ओबीसी महासभा की मुख्य मांग है हमारे सारे संवैधानिक अधिकार जी, उसको संख्या के अनुपात में मिलना चाहिए इस देश के अंदर, और हमारे महापुरुष जो हैं जी उनकी विचारधारा पर काम होना चाहिए इस देश के अंदर, तभी ये देश विश्वगुरु बनेगा जी। आप अगर ये चाहते हैं कि हम ओबीसी को छलके आप गलत तरीके से किसी भी विचारधारा को चला के काम करेंगे तो ये देश कभी भी आगे नहीं बढ़ने वाला, विश्वगुरु बनाना है तो आपको ओबीसी समाज एसटी समाज को वो जो सम्मान देना पड़ेगा, क्योंकि वो इस देश का मालिक है, इस देश का भूमिहार है, इस देश का रहने वाला है, इस मिट्टी में उसका डीएनए है, इसलिए जब तक कि उसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक विश्वगुरु नहीं बनने वाला, झूठी सब चीजें चलाते हैं लोग। तो ये थे हमारे साथ महेंद्र लोधी, कोर कमेटी के सदस्य है, ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है। साफ तौर पर एक ही मांग है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप देख रहे थे सोनू ब्लॉग, मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें।